अच्छा सुनिए, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि एजुकेशन से संबंधित नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल पॉइंट में। और आज दोस्तों मैं काव्य से लेके आया हूँ सूरदास जी के पद, सूरदास जी के पद, यानी आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, इंटरमीडिएट के विद्यार्थी हैं अथवा किसी भी भर्ती कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां से काव्य आपको दिए जाते हैं और उसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका भावार्थ निकालना, उसका अर्थ को समझना, उसमें कौन सा अलंकार दिया है, कौन सा रस दिया है, कौन सा छंद दिया है, कौन सी भाषा दी है, किस कवि द्वारा रचित है, ऐसा पूछता है बार बार और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आप और भी काव्य से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पे हिंदी काव्य नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, वहां से आप बहुत सारे काव्यों को पढ़ सकते हैं। आज मैंने सिर्फ एक पद्यांश उठाया है सूरदास जी का और वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं और इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सूरदास जी का आज केवल एक ही पद पढ़ाएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट पद है। पहले मैं आपको सिचुएशन बता देता हूं कि सिचुएशन कहाँ का है, क्योंकि जब सिचुएशन आपको समझ में आ जाता है तो भावार्थ समझने में बहुत मजा आता है। यहां पे देखो ना, जो गोपियां हैं और कृष्ण, और कृष्ण को अपनी बंसी से बड़ा प्यार होता है, मतलब उस बंसी को, कृष्ण को जब भी आप देखेंगे या किसी भी सीरियल में देखेंगे, जब वो बंसी बजाता है ना तो गोपियां उससे क्या हो जाती हैं, मंत्रमुग्ध हो जाती हैं, पशु पक्षी गाय सब उसके पास चले आते थे। तो उस बंसी को लेके गोपियां कृष्ण से ईर्ष्या कर रही हैं, क्योंकि कृष्ण का झुकाव जो है वो बंसी के प्रति ज्यादा हो गया है और वो बंसी को एक पल के लिए कहीं इधर उधर नहीं छोड़ता है। तो गोपियां उसी को लेके बहुत परेशान हैं और वो चाहती कि इस बंसी को ही चुरा लिया जाए और ताकि इसका मोह खत्म हो जाए कृष्ण का, तब हमसे वो प्रेम करना शुरू करे। तो ये सिचुएशन पहले आप समझ लीजिए। सिचुएशन पहले इसलिए बताए हैं कि भावार्थ जब मैं आप बताऊंगा तो समझने में आपको बहुत आसानी होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहां देखिए कह रहा है, सखी रे मुरली लीजे चोरी। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां जो हैं वह आपस में बात करती हुई कहती हैं कि हे सखी, आज चलो और कृष्ण की मुरली, मुरली लीजे चोरी, कृष्ण की मुरली को चुरा लेते हैं। ठीक है, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, जिस मुरली ने, गोपाल मतलब कृष्ण, आपको पता ना कृष्ण के बहुत नाम हैं, इतने नाम है कि कम से कम 10 पेज लग जाएगा आपको लिखने में। तो गोपाल है, कान्हा है, मुरलीधर है, बंसीधर है, रणछोर है, कंसारी है, हैं, गोपाल है, इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं। तो जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, यानी उस मुरली को आज चुरा ही लेते हैं जिस मुरली ने कृष्ण को अपने बसीभूत कर लिया है, यानी कोई ऐसा मतलब मोहिनी मंत्र दे दिया है कि कृष्ण उसको छोड़ता ही नहीं है, तो उसने अपने बस में कर लिया है। प्रीत सभनी की तोरी, और उसने, उस मुरली ने हमारे प्रति जो कृष्ण का प्रेम था उसको तोड़ के रख दिया है, अब कृष्ण हमको तवज्जो नहीं दे रहा है, मुरली को दे रहा है। दूसरी लाइन, एक छिन एक घर भीतर निसबासर धरत न कबहू छोरी। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए, छिन एक घर भीतर, छिन मतलब एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी वो घर के भीतर रहता है अथवा बाहर रहता है, धरत न कबहू छोरी, कभी भी अपने आप से अलग नहीं मुरली को करता है, चाहे वो घर में अंदर रहे बाहर जाए, एक पल के लिए भी इस मुरली को अपने से अलग नहीं कर रहा है। अगला, कबहू कर कबहू अधरन कट कबहू खोसत जोरी। कबहू कर कबहू अधरन, कभी होठ से लगाता है, कभी कमर में खोस लेता है,
कट कबहू खोसत जोरी, और कभी कमर में खोस लेता है, कभी ओट से बजाने लगता है, कभी अधरन मतलब कहीं रखता है तो तुरंत ले लेता है। तो उस मुरली के बारे में कह रही हैं सब कि खोसत जोरी और कमर में खोस लेता है। ना जाने कुछ मेल मोहिनी, अब गोपियां कह रही हैं ना जाने कुछ मेल मोहिनी, पता नहीं इस मुरली ने कौन सा मोहिनी मंत्र इसमें डाल दिया है कि राखे अगयग भोरी, कि कृष्ण जो है उसके वशीभूत हो के पागल हो गया है मुरली के पीछे और हम लोगों को एकदम भुला दिया है। आगे सूरदास प्रभु को मन सजनी बधो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं कि वो सारी सखियां आपस में बात करती हैं कि हे सजनी, इसी मुरली ने कृष्ण को अपने प्रेम के बंधन में बांध लिया है और आज इस मुरली को पा जाए तो तोड़ के ही फेंक दें या चोरी कर लें। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया, भाव स्पष्ट हो गया इसका। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, कहेंगे सर ये तो भाव बता के चल दिए तो हमको परीक्षा में कैसे पूछेगा। देखो परीक्षा में इतना बड़ा नहीं पूछता है, दो लाइन दे देगा, बीच से यहां से दे देगा, हो सकता हो यहां से दे दे, हो सकता हो ये तीन लाइन दे दे, हो सकता हो ये दो लाइन दे दे, पूछ देगा कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो दे देगा मैथिली, दे देगा अवधी, ब्रज, और आपको एक और कोई दे देगा, छत्तीसगढ़ी दे देगा या कोंकणी दे देगा, कैसे पहचानेंगे। तो आपको इसीलिए भाव बताए हैं, जितने पद्यांश बने हैं हिंदी साहित्य में, जितने भी कवि ने लिखा है उन सबको धीरे धीरे मैं पढ़ा के खत्म करूंगा। एक बार आपने भाव पढ़ लिया जिंदगी में कभी भी पेपर में आएगा तुरंत जान जाएंगे सूरदास जी का है, और अगर सूरदास जी का है तो सूरदास जी की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। ठीक है, एक प्रश्न बन गया कि अगर आपसे कभी पूछ दे कि निम्न पंक्तियों में दो ही लाइन दे, चार लाइन दे, आठ लाइन दे, कुछ भी दे सकता है, कौन सी भाषा प्रयोग की गई है, तो ब्रज भाषा। रस पूछ दे तो श्रृंगार रस है, क्या है, श्रृंगार रस है। मान लीजिए ऑप्शन में श्रृंगार रस ना दिया हो तब ये संयोग श्रृंगार के अंतर्गत आता है, मैंने आपको पूरा पढ़ाया है श्रृंगार रस, संयोग श्रृंगार रस। ठीक है, यानी नायक नायिका का प्रेम रूपी वर्णन हो रहा है, यहां वियोग वाली बात तो नहीं हो रही है, ये तो सब चिढ़ी हुई है और प्रेम के लिए मतलब कृष्ण की मुरली को चुराने की बात कर रहे हैं, तो यहां पे कौन सा संयोग श्रृंगार हो जाएगा, बैठ जाइए। दूसरा, अगर आपसे परीक्षा में पूछ दे कि इसमें अलंकार कौन सा है, तब आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि कौन सा अलंकार है, क्योंकि देखो ये दो लाइन दे दिया ना, तो इस दो लाइन में दो अलंकार है, तो ऑप्शन में आपको दे देगा दोनों अलंकार दे दे, अथवा तीसरा पूछ दे दोनों अथवा कोई नहीं, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए देखिए तीन अलंकार, एक अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्त सूचक, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार और रूपक अलंकार। कैसे, देखो यहां मैंने ऊपर क्या किया है, कबहू कर कबहू अधरन, तो देखो अनुप्रास अलंकार में यहां पे क वर्ण की आवृत्ति एक बार हुई, फिर क वर्ण की आवृत्ति हुई और फिर क वर्ण की आवृत्ति हुई, जब वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो अगर ये लाइन दे दिया तो आप जान जाएंगे ना अब कि ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अगला ऑप्शन में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, ये क्या होता है, यहां पर देखिए मैंने यहां एरो लगाया अंग अग, देखो जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार होती है तो उसे हम कहते हैं पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। जैसे जब मैं विराम चिन्ह आपको पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि एक पुनरुक्त सूचक शब्द होता है, यानी विराम चिन्ह होता है, कौन सा, ये वाला, देखे है ना। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कह दूं किसी बच्चे का नाम हो कि बच्चे का नाम ये है, इसके पिता का नाम ये है, ग्राम ये है, ठीक, और दूसरा वाला बच्चा भी उसी गांव का है तो उसका नाम और पिता का नाम बदलेंगे, गांव को बार बार वही गांव नहीं लिखेंगे, तो उसी गांव के नीचे ऐसे ऐसे एरो लगा देते हैं, थम मान लेते हैं कि ये उसी गांव का है,
उसको पुनरुक्त सूचक शब्द कहते हैं। इसी प्रकार से जब एक शब्द की आवृत्ति दो बार हो जाती है तो उसे पुनरुक्त प्रकाश अलंकार कहते हैं। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो अग अग है ये पुनरुक्त सूचक अलंकार है, ठीक है। अगला एक और अलंकार इसमें दिया है, राग की डोरी। राग से डोरी, राग की डोरी खींचने की बात की जा रही है, तो राग की डोरी आपकी क्या हो जाएगी, रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपको बताने का यह प्रयास कर रहा था कि अगर एग्जाम में कभी काव्य दे देता है, पद्यांश दे देता है, तो उसके भावार्थ आप कैसे निकालेंगे, और उसमें अगर पूछते कौन सी भाषा प्रयोग की गई है, कौन सा अलंकार प्रयोग किया गया है, कौन सी क्या बोलते हैं रस प्रयोग किया गया है, तो ये सारी चीजें आप अगर मेरा काव्य का जो भी वीडियो 5-7 वीडियो बना है उसको देख लेंगे, बहुत मजा आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, नमस्कार।